मेरा कैरेक्टर तो है भी बहुत कूल, कूल वाइब है उसकी, थोड़ा इजी गोइंग है, इट्स नॉट दैट इंटेंस, तो एक रिलीफ है सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द इंटेंसिटी पार्ट ऑफ द फिल्म. वी ऑल वर सिलेक्टेड थ्रू मीटिंग, लाइक वी ऑल मेट हिमांशु पर्सनली एंड वी डिडंट गो थ्रू अ ऑडिशन प्रोसेस लाइक द कन्वेंशनल मेथड ऑफ सिलेक्शन. सो आई फाइंड दैट वेरी सैटिस्फाइंग, दैट इज द राइट वे टू जज अ कैरेक्टर, टू जज अ पर्सन दैट इफ शी और ही और शी फिट्स इन द कैरेक्टर. जो सिनेमेटोग्राफी है, द वे द शॉट्स हैव बीन डिजाइंड, दे आर सो ब्यूटीफुल कि आपको थिएटर में उल्टा ज्यादा मजा आए. नमस्कार, मैं हूँ शाइस्ता, एन एन नेटवर्क पे आपका स्वागत है. आज हमारे साथ है चित्रकूट की पूरी स्टारकास्ट. बात करेंगे, बहुत टाइम के बाद हिमांशु ने बड़े पर्दे पर एंट्री मारी है, क्या कुछ इंटरटेनिंग लेके आए हैं और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आगे क्या कुछ चीज़ें होंगी. हिमांशु, आपका न्यूज़ नेशन में बहुत बहुत स्वागत है, न्यूज़ स्टेट में बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हम लाइव भी कर रहे हैं, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, तो कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे जो आपको देख रहे होंगे. तो सबसे पहले चित्रकूट के बारे में बात करते हैं. थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. चित्रकूट एक रिलेशनशिप ड्रामा फिल्म है और हम लोग अभी जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं 20 मई को और बहुत उत्साह है सब में, हम सब में इस फिल्म को लेकर. बहुत मेहनत करी है, बहुत दिल लगाया हम लोगों ने. इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में और बस मैं चाहूँगा कि दर्शक जो देख रहे हैं इसको लाइव पे, यू नो, जाके YouTube पे जाके इसको पहले ट्रेलर देखें और फिर पसंद आए तो जाके फिल्म देखें. ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे ऐसा लगता है आपको प्यार, इश्क, मोहब्बत, दिल, इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है. स्टोरी आप लिखते हैं, डायरेक्शन आप कर रहे हैं, अभी कुछ रह गया है जो जिस फिल्म में जाना है आपको? अरे बहुत कुछ रह गया है, ये तो बहुत शुरुआत है मेरी. मैं चाहूँगा कि अगर किस्मत साथ दे तो कुछ 2, 4, 3, 5 अच्छी फिल्में बनाऊंगा, उसके बाद शायद रिटायर कर जाऊंगा, बट अभी तो मेरे को लगता है मेरी करियर की शुरुआत है ये. हिमांशु, आपकी फिल्म थी तुम्बे जिसमें एक आपका डायलॉग था, मैंने वो पिक्चर शायद 26 से 27 बार देखी होगी. सो उसमें एक डायलॉग था आपका एक रिंग को लेके, एक मुट्ठी मुट्ठी में अंगूठी, तो वो एक बार मुझे सुना दो यार, ये मेरे लिए. मुझको डायलॉग याद करना पड़ेगा एक्चुअली. हाँ, क्या था, एक एक अंगूठी, नहीं नहीं, एक एक मुट्ठी, मुट्ठी में अंगूठी और उस अंगूठी में किसी को कैद कर लो. अच्छा, ये जो इतने दिन का गैप रहा है, इस बीच में आपने क्या किया? मैं अपने आप काफी समय बिताया मैंने राइटिंग में, फिल्म मेकिंग में. 2012 में आई मेड अ शॉर्ट फिल्म, देन आई स्टार्ट डूइंग म्यूजिक वीडियोज एंड एड फिल्म्स, तो ऐसे बहुत कुछ छोटा मोटा कुछ चलता रहा. बट फाइनली मकसद था कि एक फीचर फिल्म बनाऊँ. फीचर फिल्म बनाने में समय तो लग ही जाता है, हम सबको मालूम ही है. एंड वही समय बीतता गया और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ नया जानने को मिला. And I'm very happy I'm here now, you know, presenting this film to everybody. Starcast sari hai to sabse hi baat kar lete hain. Pehle to main set ke bare mein jana chahungi ki shooting karte time mahol kaisa tha, aap bata dijiye. Mera character to है भी बहुत कूल, कूल वाइब है उसकी, थोड़ा इजी गोइंग है, इट्स नॉट दैट इंटेंस, तो एक रिलीफ है सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द इंटेंसिटी पार्ट ऑफ द फिल्म. सो हम मतलब जितना भी मैंने शूट किया वो माहौल तो डेफिनेटली बहुत लाइक वेरी वेरी चिल्ड आउट था. एंड आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ द कास्ट, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे वो खुद बताएं. जी नहीं, मैं बहुत ही संजीदा कैरेक्टर तो नहीं कहूँगी, बट मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही इमोशनली लॉस्ट है, कन्फ्यूज्ड है. स्मॉल टाउन गर्ल है जो कि बड़े शहर में आके कुछ बड़ा करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है अपना, और अभी रिलेशनशिप करियर लाइफ में ही उलझी हुई है. शी इज़ नॉट क्लियर, बट एंड तक आते आते शी इवॉल्व एज अ पर्सन, शी ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन, उसे क्लियर होता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है. तो सेट पे माहौल तो मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ही स्मूथ, कंफर्टिंग था, नहीं कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है.
चित्रकूट में काम करके। सबसे ज्यादा बुली तो नहीं कोई करता था, बट डायरेक्टर ने सबसे ज्यादा बोला है क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज हमारे डायरेक्टर हमारे प्रोड्यूसर भी है, बट दैट इज द ओनली थिंग। बुली एक्चुअली बुली तो कोई नहीं करता था। तो बोल सकते हैं नहीं, आई डोंट थिंक बुली कोई करता था, बट हाँ अगर कोई कुछ थोड़ी स्ट्रिक्टली बात करता था कभी कभी, तो दैट वुड बी आर डायरेक्टर साहब, बट अदर देन दैट नथिंग। अच्छा, किरदार सबके अलग अलग हैं, अलग अलग रोल हैं, तो जिस तरह से आपको एक रोल दिया गया है उससे लेकर जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो क्या आपने सोचा और फिर किस वजह से? हाँ मुझे तो पहले मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया इस बारे में कि ये फिल्म है और हिमांशु ऐसा फिल्म बनाने वाले हैं, एंड मुझे पहले स्क्रिप्ट दी गई कि आप पढ़िए और फिर आइए फॉर अ मीटिंग। व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो आई वाज ऑलरेडी इन लव विद द स्टोरी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट सिंपल है थोड़ी, बट येट इतना नुआंस्ड है, इसमें छोटे छोटे इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें इतने स्मूदली लिखी गई है। हाँ, तो अ लॉट ऑफ बिग यू नो इमोशंस आर पोर्ट्रेट थ्रू सिंपल सिंपल यू नो सिंपलिसिटी, सो दैट्स व्हाई इट वाज इंटरेस्टिंग टू वर्क फॉर दिस। इट वाज समथिंग दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। और द अदर थिंग इज कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ सलोनी, शी इज़ ऑल्सो अ डांसर, शी इज़ अ प्रोफेशनल डांसर, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डांसर, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज मुझे डांस भी करने को मिला, एक्टिंग भी करने को मिली, तो फॉर मी इट वाज लाइक टू ऑफ माय मोस्ट फेवरेट यू नो फॉर्म्स टुगेदर। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ आई थिंक विच आई फील इज दैट वी ऑल वर सिलेक्टेड थ्रू मीटिंग, like we all met Himanshu personally and we didn't go through a audition process like the conventional method of selection, so I find that very satisfying, that that is the right way to judge a character, to judge a person, that if she or he or she fits in the character, because like my character is from Indore and I am also from Indore, so connect karne mein bahut aasani hui, wo bahut aasani hui। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, एक्टिंग के लिए जब हम किसी किरदार में अपने आप को ढालते हैं तो थोड़ा तो मुश्किल होता होगा, तो क्या क्या चीज़ें एज इन पर्सन चेंज करनी पड़ती हैं कैरेक्टर के हिसाब से? आई थिंक वो टोटली डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टर आपको मिल रहा है। अगर आप उससे काफ़ी क्लोज हैं इन रियल लाइफ, द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग, अगर आप उससे काफ़ी क्लोज हैं तो मे बी देर आर वेरी सटल थिंग्स दैट यू माइट हैव टू चेंज, लेकिन अगर ड्रास्टिकली कोई यू नो लाइक अ लुक मे बी बहुत डिफरेंस है, आपको यू नो वेट पुट ऑन करना है या कम करना है, ऑल दोज थिंग्स, देन ऑफकोर्स द फिजिकल अपियरेंस, एवरी थिंग इज टेकन इन टू कंसिडरेशन, बट ओवरऑल the challenge is to find the layers of the character, I think in any part, जो भी part आप play कर रहे हो, सबसे ज़्यादा important है कि आप उसको कैसे you know किस तरीके से nuanced way में explore कर सको और you know दर्शा सको उससे screen पर, और उस process में actually खुद एक बहुत मज़ा है, बिकॉज आप कितनी बार खुद को भी एक डिस्कवर कर पाते हो एज अ पर्सन, क्योंकि नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट आप एज अ पर्सन भी इवॉल्व होते रहते हो एवरी नाउ एंड देन, लाइक एवरी डे इज यू नो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ इन सम वे, भले ही वो बहुत सटल हो छोटा हो, बट बहुत टाइम बाद आपको सडनली रियलाइज होगा कि अरे यू नो ये तो ये मैंने कैसे कर लिया, या अच्छा अब आज मुझे आई हैव अचीव्ड दैट जो मैं इतने सालों से काम कर रही थी, so it's a very delicate process. एक चीज और जानना चाहूंगी, ओटीटी का जमाना है अभी, ओटीटी पे जितने भी वेब सीरीज आप देखिए, सो इसी लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि बड़े पर्दे पर चीजें होंगी या उससे बेटर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो कर पाएगा? देखिए दोनों ऑडियंस अलग हैं, और मैं मुझे लगता है कि लोग बड़ा पर्दा तो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, बिकॉज़ दैट एक्सपीरियंस इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड
OTT is also a very wide audience and वो उसके different उसका एक mechanism है and we want our film to go to an OTT also but at the same time एक theatrical बड़े पर्दे पे जो एक film की truth होती है वो बहुत ज़रूरी है because on a big screen in a closed hall you can really sense the emotion of the characters you can really feel it and that matters a lot. इससे फर्क कितना पड़ेगा मैं मतलब देखा जाए तो बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा और बड़ा पर्दा अभी जैसे OTT आया तो कुछ ऑडियंस स्विच किया है इधर तो लगता है आपको कि कुछ फर्क पड़ेगा बड़े पर्दे पर जरूर डिफरेंस देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बिकॉज ऑफ द OTT बट धीरे धीरे एक जो ओरिजिनल बड़े पर्दे वाले जो लोग हैं जो फैंस हैं तो मैं पर्सनली कभी OTT में ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ आई प्रेफर टू गो टू द सिनेमा एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस इज सो कम्प्लीट कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट नोबडी विल लेट इट गो एंड इट विल बी अ यू नो उसका अपनी एक मार्केट अपनी एक रिदम बनेगी वो एक डेडिकेशन भी है व्हेन आप थिएटर जाते हो आप 2-2.5 घंटे जब बिताते हो वो एक डेडिकेटेड टाइम है जब आप घर पे हो तो यू नो 50 चीज़ें चल रही हैं आप बीच में फ़ोन चेक कर रहे हो द इंटरेस्ट लेवल इज़ डिफरेंट एंड सर्टन फिल्म्स आर सपोज टू बी वॉच्ड इन थिएटर क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तभी कंप्लीट होगा जब आप उसको थिएटर में देखेंगे एंड आई एम श्योर आई वुड से दैट चित्रकूट इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स बिकॉज जो सिनेमेटोग्राफी है द वे द शॉट्स हैव बीन डिज़ाइंड दे आर सो ब्यूटिफुल कि आपको थिएटर में उल्टा ज़्यादा मज़ा आएगा ऑफकोर्स OTT पे तो आएगा ही बिकॉज द पैलेट इज़ सो ब्यूटिफुल लेकिन आप थिएटर में जाके देखेंगे तो उसका एक अलग रंग चढ़ेगा हाँ फिल्म आ रही है 20 मई 2022 आपके आस पास के सिनेमा घरों में OTT प्लेटफॉर्म अभी फाइनल नहीं हुआ है जैसी होगा आपको बता दिया जाएगा बट इसके पहले आप प्लीज मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी कहाँ कैसे कब फिल्म जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ तो सिनेमा घरों में जाइए देखिए और हमें कुछ अपना प्यार दीजिए थैंक यू जी आप कुछ बोल रहे थे क्वेश्चन से रिलेटेड था पाइपलाइन में है कि इसके बाद मैं मुंबई से भागकर कहीं पहाड़ों में रहने वाला हूँ और अगर पिक्चर फ्लॉप होगी तो शायद पाइप से ही जाना पड़ेगा मुझको अपने इन्वेस्टर्स से छुप के सो नहीं आई हैव नो आइडिया व्हाट आई विल डू बस तो आई हैव नो आइडिया व्हाट आई विल डू एंड फिलहाल यही निकल जाए ये दर्शकों को अच्छी लगे बस वही चाहते हैं हम लोग फिल्म का ट्रेलर हमने देखा है बहुत ही खूबसूरत है इंशाल्लाह आगे भी हिट करेगी और दर्शक आपकी फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे अब आप NN के व्यूअर्स से कुछ बोल दीजिए कि भाई NN मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जरूर NN देखिए न्यूज़ नेशन देखिए न्यूज़ स्टेट देखिए NN बॉलीवुड देखिए और साथ साथ चित्रकूट देखिए चित्रकूट जाके जरूर देखिए यस तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू